नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि मटर पनीर कैसे बनाते हैं, मटर पनीर की रेसिपी क्या क्या है और इसका सारा डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और बिना स्क्रिप्ट के पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड, सबसे पहले हम पनीर को काटते हैं। जैसा आपको पीस रखना हो, छोटा बड़ा, अपने इच्छा अनुसार उसकी कटिंग करते हैं, जैसा कि हम आपको काट के दिखा रहे हैं। इसमें आप इच्छा अनुसार कटिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा, जो भी आपको पीस अच्छा लगे। कटिंग करने के बाद, जैसा कि देख रहे हैं, हम कटिंग कर लिए। उसके बाद लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाते हैं मिक्सर में। यदि आपके पास फ्रेंड मिक्सर ना हो तो आप गिलास में रखकर उसे कुचल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। उसके बाद में इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद दोबारा से हम प्याज का भी पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद इसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काटने के बाद दोबारा से इसको हम ग्राइंडिंग करेंगे मिक्सर में। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। उसके बाद में सबसे पहले हम तेल डालेंगे अपने इच्छा अनुसार। उसके बाद ये पचपूरन है, ये पांच चीज़ों का मिक्स है, जीरा, काफ़ी चीज़ इसमें मिक्स रहता है, पचपूरन रहता है, कहीं कहीं इसे अलग नामों से भी जाना जाता है। उसके बाद में हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे उसमें। देखिए फ्रेंड्स, पेस्ट डालने के बाद ये धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर देगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे। उसके यदि आपको इच्छा अनुसार खाना हो तो खड़ा लहसुन भी आप डाल सकते हैं, आपके इच्छा अनुसार। उसके बाद में 5 मिनट बाद हम दोबारा से हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट उसमें डाल देते हैं, जो कि हम आपको डाल के दिखा रहे हैं। उसके बाद हम मिक्स कर देते हैं प्याज का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर मसाला, जो भी आपको मसाला यूज करते हैं, गरम मसाला या कुछ भी जो आप मतलब मसाला यूज करते हैं जो आपको अच्छा लगे, वैसे कि हम राजेश मसाला यूज कर रहे हैं। मसाला यूज करने के बाद इसको हम थोड़ा सा पानी में मिक्स कर देंगे। फ्रेंड, मार्केट में बहुत सारे मसाले अवेलेबल है, अपने इच्छा अनुसार जो आपको अच्छा लगता है, जैसे MDH है, राजेश मसाला है, एवरेस्ट मसाला है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में हरा मटर उसमें डाल के मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम उसको अच्छे से चला लेते हैं ताकि दोनों को कमने अच्छा हो जाए। 5 मिनट बाद हमारा कुछ इस प्रकार का ग्रेवी तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें पानी मिला हुआ, जो पानी मिला रहता है मसाले में, उसको हम डाल देंगे अच्छे से। दोबारा से उसे हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। आप अपने इच्छा अनुसार आपको जितना ग्रेवी रखना हो उसी के हिसाब से आप उसमें पानी डाल दीजिएगा। पानी डालने के बाद इसको हमें करीब 4 से 5 मिनट पकाना है। पकने के बाद कुछ इस तरह का ग्रेवी तैयार हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं फ्रेंड। उसके बाद हम पनीर को ग्रेवी में डाल देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद इसको भी हम ग्रेवी में मिक्स कर देते हैं अच्छे से।
फ्रेंड्स, लहसुन का खड़ा लहसुन आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, आपके इच्छा अनुसार। उसके बाद में 5 मिनट बाद हमारा ग्रेवी कुछ इस तरह आ जाता है। उसके बाद में हम हल्दी डाल देते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर देते हैं। जिस हिसाब से आपको ग्रेवी रखना हो पानी उसी हिसाब से डालते हैं। उसके बाद में लास्ट में हम नमक डाल देते हैं। जैसे आपको कम ज़्यादा रखना हो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। डालने के बाद इसे हम ढक देते हैं 5 मिनट तक। दोबारा से एक बार देख लेते हैं और 10 मिनट बाद हमारा कुछ इस तरह ग्रेवी तैयार हो जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। और इसे हम अब उतार लेते हैं। हमारा मटर पनीर का रेसिपी तैयार हो गया है, जो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। कलर में काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो के एंड करते हैं और मिलते हैं।